जिसमें आप कंफर्टेबल हो, योगा हो, डांस हो, जुम्बा हो, भाग दौड़ हो, जो भी हो, बट फिटनेस की तरफ कोई भी अपने वे से करो। बॉडी योले शोले फिटनेस नहीं होता है, फिटनेस वो होता है जिसमें आप एंजॉय करो। Yes, Saman, I request you to present him a token of appreciation and love on behalf of the Shaz International Community. Yes, we have the booking to be presented. Yes, booking and a momento as well on behalf of the Shaz International Community. Yes, Shiva, I request you to hold on. We'd like to listen to you also. Just give us a couple of minutes. May I request Akanksha Puri to kindly come up on the stage? Akanksha Puri to join us on stage, a superstar from the South Films and also a celebrity herself. Akanksha to join us. May I request Nakamai to felicitate Akanksha Puri by presenting her a bouquet and token of appreciation. Shiva, I request you to wait and hold on for a couple of minutes. On behalf of the SIPL, may I request Kabir Kumar to join us? Shaz International Premier League Trophy of the Year. Champions will hold this trophy. Yes, I hope all the photographers get a nice click. Yes, what a wonderful moment. This is the golden trophy of the first season of the Shaz International Premier League Season 1 to be played in Goa from 25th to 28th. 12 teams, 4 days of non-stop cricket action. And after that, the second season, as announced, will be played in Dubai. Yes, thank you so much. A few words on this wonderful occasion. I'm sure, you know, fitness is one of your favorite subjects. Cricket, the lucky tumhala avadta mala maithe aahe, Mumbai cha mulga tumhi aahat. कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ। एक सर का एक अलग और है, मैम बहुत ही क्यूट और इनोसेंट, मतलब वो चीज़ें जो दिख रही हैं मुझे तब से, बट इनका इंटेंशन जो है सबका, एक बेस्ट इंटेंशन है कि जो भी हमारे गली में गली बॉय खेलते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनकी होप और होता है, कभी कभी होता है कि यार इंडिया में हर जगह पर क्रिकेट खेला जाता है पर सबको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बट आई अप्रिशिएट कि टीम को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है हर साल मिलते रहेगा। होपफुली गणपति बप्पा से मैं प्रे करूँगा और हर वो जो गली का बॉय है जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट मिलता है, पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वो ये लीग देख के सच्ची मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे लिए भी कोई प्लेटफॉर्म है। तो थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए चीज़ के लिए और मुझे अच्छा लगा। गणपति बप्पा ऐसे लीग और होते रहेंगे, साल में 2-3 होते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्लेयर आएंगे, आप उनको अप्रिशिएट करोगे आई नो। और गणपति बप्पा बोल रहे थैंक यू सो मच। श्री लोबा लोग का जाओ देना है थोड़ा, एक एक टू मोर मिनट्स। ओके, नाउ दैट यू हैव ग्रेस्ड अस, या मुंबई सा मुलगा, या टुडे इज सच अ बिग टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, या डू यू फील दैट यू वांट टू प्ले इन वन ऑफ द 12 टीम्स? आई थिंक, बट उन टीम को लगना चाहिए कि शिव हमारी टीम है, क्योंकि मैं जो पहले क्रिकेट खेलता था कॉलेज में तो बॉल ऊपर से आता था और मैं घुमाता नीचे से था, तो कोई कैप्टन नहीं बोलेगा शिव ठीक है तो इंस्टा पे और बाकी टीवी पे चल, क्रिकेट में मत यार, हमारा टीम खराब मत कर। बट अभी मेरा थोड़ा इम्प्रूव है, अब मैं लगाता हूँ और गलती से कभी भी सिक्स भी मार देता हूँ, तो जब भी मुझे चांस मिला ज़रूर खेलूँगा मैं, और मैं फील्डर बहुत अच्छा हूँ तो कोई बॉल छोड़ता नहीं और जो छोड़ना और फील्डर अच्छा हो टीम के लिए, टीम को कैसे अप्रिशिएट करना, कैसे साथ में लेके चलना, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है
बॉलिंग भी अच्छा था, बट चांस मिले तो मैं ज़रूर करूँगा सर। और टेनिस बॉल में बताता हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, पर मैं तो भी क्रिकेट में इतना भूत नहीं, मेरा कबड्डी का ज़्यादा मेरा भूत है, बट क्रिकेट के लिए हमारे गली में इतने लोग हैं, पर वो ये सब देख के इतने खुश होने वाले हैं, और इनको दुआओं के साथ साथ सब कुछ मिलेगा कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर को ये प्लेटफॉर्म दिया है इसके लिए। सच्चे में यस, वन मोर क्वेश्चन, बट शायद आपने सुना ना कि वो रेडी है खेलने के लिए, तो अभी आपके ऊपर है 25 से 28। ओके, एक शेवट सा प्रश्न शिव, आज बिग बॉस मराठी असेल, बिग बॉस 16 सीजन असेल, तिथे पण प्रेशर असतं, एक्सपेक्टेशन्स असतात, अँड आय एम शुअर ऑल दीज प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले, देयर इज गोइंग टू बी प्रेशर, देयर इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेशन्स, यू नो, ऑल बिग स्केल, डे नाईट मॅचेस, 4 days, सच अ बिग लीग, फर्स्ट सीजन हियर, सेकंड सीजन इन दुबई, वन मेसेज फ्रॉम यू टू ऑल द टीम ओनर्स, टू ऑल द प्लेयर्स, वन क्विक मेसेज। मुझे लगता है जहाँ यहाँ पे जो प्लेयर खेलने वाले हैं उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं बस ये कहूँगी मैं कुछ इनको सिखा नहीं सकता, इनका फिटनेस और इनकी बाकी चीज़ें देख के हम सब लोग सीखते हैं। क्रिकेटर जितने फिट रहते हैं उनका एक तरीका होता है, बट एक ही होता है, हार जीत अपनी जगह पर, जब हम क्रिकेट के पहले जो मेहनत करते हैं उसके बाद खेलते वक्त जो भी होगा वो देखा जाएगा वहाँ पे। मुझे लगता है हर प्लेयर यही सोचता होगा कि शिट अभी क्या होगा, वो टेंशन में कोई नहीं खेलते, हम इंडिया के क्रिकेटर्स हो या फिर अभी जो भी लीग होती है गली का हो या ये जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं इंडिया में, वहाँ का प्लेयर हो वो कूल होता है, और मुझे लगता है कूल ही रहना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम की प्रिपरेशन होती है हम पहले कर लेते हैं, एग्जाम देते वक्त तो कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, वन मोर पहली गर्लफ्रेंड कोई भी हो उसके लिए हम बहुत वेट करते हैं, और पहली कार का जो कॉलेज था हम खुद कुछ लेते हैं, पहली बाइक भी ई एम आई में लेते हैं, उससे बहुत खुशी होती है, उसका अलग लगाव होता है, तो पहली कार मेरी अभी हुई है, और ऐसे में कि कॉम्प्रोमाइज़ किया मैंने, जो चाहिए था वही लिया, और ये पहली स्टेप है, इसके बाद बहुत कार है, बट पहली कार है और मज़ा आ रहा है, मुझे घर वाले खुश है और मेरे दोस्त खुश हैं की पहली कार, और वो यार अच्छा जो भी है हैप्पी। स्टाइलिश भी था बट प्रॉब्लम क्या था, अभी थोड़ा अच्छे से देख रहे हो आप लोग, और अभी थोड़ा मैं वक्त दे रहा हूँ खुद को, और लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं सच्ची बोलूँ तो खुद मेरे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मेरे फोटोज़ के लिए टीम के लिए, मुझे सही करने के लिए मेरे अपने होते हैं, या फिर मेरे कपड़ों के लिए जो डिज़ाइन करती है गर्ल होती है वो दिल्ली से तब के तब मेरे लिए कलर देख रही तो पाती है, तो ये पूरी एक टीम होती है, तब जाके एक बंदा अच्छा दिखता है, तो मैं मेरी टीम को थैंक्स बोलूँगा। सफल नहीं अभी शुरू हुई है, और ये शुरू है तो बहुत लंबा जाएगा, और मेहनत भी बहुत करनी है, अच्छी शुरुआत फिटनेस है, और जो प्लेयर होते हैं जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनका फिटनेस भी लगता है, और सबसे बेस्ट मुझे वो लगता है, क्योंकि डोले शोले नहीं तो मुझे फिटनेस को कोई चीज नहीं कर सकता है, तो मेरा फिटनेस अलग है, मैं डांस के थ्रू होता है या फिर मैं वर्कआउट करता हूँ, बट फिटनेस ज़रूरी है, और उससे आप हैप्पी रहते हो, और मेरे लिए जैसा वर्कआउट और वो अच्छा दिखता है कपड़ों के लिए, वैसे प्लेयर का फिटनेस अलग होता है, और मैं ऑलवेज इम्प्रेस होता हूँ विराट कोहली हो या फिर चोपने, तो बड़े बड़े जो प्लेयर उनके वीडियोज देखते हैं, जिस में आप कंफर्टेबल हो, योगा हो, डांस हो, जुम्बा हो, भाग दौड़ हो, जो भी हो, बट फिटनेस की तरफ कोई भी अपने वे से करो, बॉडी डोले शोले फिटनेस नहीं होता है, फिटनेस वो होता है जिसमें आप एंजॉय करो, फिटनेस का जो पैशन तो दिया है सिर्फ जो है सिर्फ के पास, और किसी के पास है ही नहीं है। संतोष सर का जो मुझे लगता है अभी ये एज में वो वाला चार्म लेके आता है, इनका फिटनेस का व्हाट डू यू मीन बाय द एज, और कब से भाई मतलब 4 साल हो गए इनको बिग बॉस बोला, इन्होंने चीज जीना था राइट, तो 4 साल बाद भी जब लोगों ने हिंदी बिग बॉस में देखा तो मराठी बिग बॉस में इन्हें पसंद किया, इनके अपने स्टेट के लोगों ने, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से इनसे बात कर रहा हूँ, जब से घर से बाहर निकले 1 महीने से, भाई दुबई आ जाओ, भाई लंदन आ जाओ, हिंदुस्तान में लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं, जिस दिन तुम दुबई और लंदन आ जाओगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि लोग तुम्हारे लिए पागलपंती की हद तक जाकर। मैं लंदन दुबई ज़रूर आऊँगा, थोड़ी मेहनत कर लूँ, वो हवा जो होती है वो सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, इसमें धीरे चलता हूँ, कल गई है वहाँ पर, तो मैं नहीं जाना चाहता किसी और की तरह, बड़ी जंप लूँगा, गिर जाऊँगा, थोड़े धीरे चलते
मैं जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ। संतोष जी चलने का देते हैं, ये भगाते हैं हम लोग। इन्हें पता नहीं है कि किस दिन की इनकी दुबई की टिकट बन चुकी है, जा रहे हैं दुबई, इनको खुद नहीं पता है। इसी महीने में जा रहे हैं, मार्च 31 से पहले जा रहे हैं। जा रहे हो, जिन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे सच्ची में तो कबड्डी ज्यादा पसंद है, बट क्रिकेट आपको पसंद हो ना हो, इंडिया में इन्वॉल्व होते हो, आपको बैट नहीं मिले पर घर पे जो कपड़े।